देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC के साहित्यिक और कला क्लब ने अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी APLS के सहयोग से आज ऑर्किड लॉन देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में इंटर कॉलेज डी क्रू फेस्ट का चौथा संस्करण मनाया। इस उत्सव में राजधानी परिसर के विभिन्न कॉलेजों ने हिस्सा लिया। DNGC कला और कविता के उभरते कलाकारों को एक मंच देने के लिए 2019 से इंटर कॉलेज डी क्रू फेस्ट का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव में कहानी सुनाना, पेंटिंग और कविता पाठ सहित कई प्रतियोगिताएं शामिल थी। उत्सव के चौथे संस्करण में APLS के अध्यक्ष पद्माश्री YD तोंगशी, RGU ललित कला और संगीत विभाग के सहायक प्रोफेसर पुण्यो चौबिन और APLS महासचिव मुकुल पाठक ने संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। इस बीच मीडिया लिटरेसी क्लब के संयोजक नेंडिंग ओमो ने आज के कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला। इसके अलावा DNGC के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने अपने विचार साझा किए। मेरे साथ कुछ लम्हे काश के एक बार हमारी मुलाकात होती तो जिंदगी और सुहानी होती। यह है हमारा प्रिय अरुणाचल, भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, सबके हृदयों में करते राज्य है। ऊंचे ऊंचे यहाँ के महीदर छल छल सरिता करते राहों में जो एक अद्वितीय साथी है, मेरी माँ की ममता वो अनमोल वरदान है। अलग है, मैं जो सोचती हूँ समझती हूँ वो अलग। लहरा कराऊंगा या तिरंगे में लिपट कराऊंगा। जी हाँ, वो एक माँ के लिए एक बच्चा था, लेकिन भारत माँ के लिए एक सैनिक था। जय हिंद जय भारत। अपनी राहों के फूल काते हैं, अब कुछ ना कर बस दिखाना है। मुझको देखना हो तो ऐसे देखे, कायर नहीं हूँ मैं। Free from a way to balance, a way to survive, and a way to win. But so long we breathe and exist, we bear the weight of expectations. Each and every individual. Art, whether it is painting, it is drawing, it is dancing. एडिशन है डी क्रू फेस्टिवल का, तो इस साल में क्या क्या आप लोग का प्रोग्राम होगा आज का दिन में, ओवरऑल थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो दी क्रू फेस्टिवल जो फोर्थ एडिशन है, सबको वेलकम करते हैं। ये आर्ट्स और लिटरेरी फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्ट्स क्लब एंड लिटरेरी क्लब ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस साल का हाईलाइट है हायर एजुकेशन का, जितना इंस्टीट्यूट्स है ICR का, ईटानगर कैपिटल रीजन का, उसका इंटर इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन हो रहा है। पोएम रिसाइटेशन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और फिर पेंटिंग कंपटीशन। और एक है, वी हैव इनवाइटेड पुण्यो चौबिन जो RGU के फाइन आर्ट्स के फैकल्टी है, वो एक पेंटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड टूवर्ड्स द इवनिंग वी हैव म्यूजिकल प्रोग्राम, सिंगिंग, डांसिंग, हिप हॉप कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करते उन लोग भी आएगा, उन लोग को टैलेंट्स को शोकेस करने के लिए। एंड पद्मश्री YD तोंगशी सर, ही विल कम हियर और वो गैदरिंग को वो ग्रेस करेंगे। एंड दिस टाइम वी आर साइनिंग MOU DNGC एंड APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, तो हम लोग एक MOU भी साइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ टुडेस प्रोग्राम। MOU का क्या? ऐसा है कि बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है हमारे देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में, और किसी एक अच्छा एज इन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर काम करना होता है तो MOU साइन करना होता है। देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन, टेम्पररीली हम लोग हमेशा हर किसी के साथ कोलाबोरेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो लॉन्ग टर्म बेसिस, तो हम लोग जैसे
कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, वैसे APLS के साथ में हमारे लिटरेरी क्लब और APLS थ्रू आर देहरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज बाय द ग्रेस आई मीन बाय द गाइडेंस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर MQ खान सर, तो हम लोग ये कर रहे हैं। जो आप लोग का यहाँ में प्रोग्राम कराया जाता है सिर्फ कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए है ना, स्कूल स्टूडेंट के पास? ये हायर एजुकेशन का है तो इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहाँ भी है, यूनिवर्सिटी से है, हिमालयन यूनिवर्सिटी से भी पार्टिसिपेंट आज आया है, RGU से भी है और बाकी इंस्टीट्यूट से भी है, इंस्टीट्यूट एज इन कॉलेजेस से, तो स्कूल लेवल का नहीं, ये कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल का है। तो बाकी जो हर साल आप लोग फोर्थ एडिशन करा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है कि इसका बार इतना आइडिया नहीं हो के, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे किस तरह से पार्टिसिपेट करना है? तो इट वॉज वेरी हम्बल बिगिनिंग डन बाई दुली अते सर, गोलिन योदू सर, फिर वी हैव गई रहते मैडम, ये लोग ने शुरू किया था एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग द फोर्थ एडिशन। तो एवरी ईयर ये तो होता ही है, इट्स अ कैलेंडर इवेंट, इवन द अदर इंस्टीट्यूट्स हु पार्टिसिपेट उन लोगों को पता है, तो एवरी ईयर वी ट्राइंग टू ब्रिंग चेंजेस, बेटर चेंजेस, तो नेक्स्ट ईयर भी ये होगा, वी वॉन्ट बी मिसिंग इट आउट, तो जस्ट लुक आउट फॉर दिस द फिफ्थ एडिशन ऑफ DCRIO। आज का फेस्टिवल में आप लोग का यहाँ में दिखाई दे रहा है बहुत क्यूट क्यूट चार्म्स है, की चेन्स है, तो आप लोग अपना कुछ क्लब मेंबर का नाम होने से, और ये जो आप लोग क्या फंड रेजिंग के लिए कर रहे हैं ना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेस से, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्ट क्लब का तरफ से हो रहा है, उसके बाद से हम लोग का खुद का एक इंस्टा पेज भी है यार्नीवर्स बोल के, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद से ये सब हम लोग अपना इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट हम लोग हर समय अपना पेरेंट्स से भी पैसा नहीं मांग सकते ना, तो ये हम लोग का एक सोर्स ऑफ इनकम है कि हम लोग खुद को थोड़ा मोड़ा पाल सकने के लिए हम लोग खुद मेहनत करके ये सब क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा मोड़ा खुद का बुक्स अफोर्ड कर पाए ये चीज़ के लिए। ये प्लेटफॉर्म से क्या आप लोग को कुछ और बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा इंस्टाग्राम में आप लोग का ऑलरेडी पेजेस है, उससे पहले क्या आप लोग का ये आर्ट को किसी ने पहचाना था ऐसा जो आप बना रहे हैं? आर्ट को तो कोई पहचाना नहीं था, हम भी रिसेंटली स्टार्ट किए, मेरा एक साल होने जा रहा है ये क्रोशे स्टार्ट किया वाला। फोर्थ एडिशन है DCRIO फेस्टिवल का, जी जी। तो आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा फोर्थ टाइम है। फोर्थ टाइम ही है ना, तो आप इस फेस्टिवल को लेके पर्टिकुलर एज अ पेंटर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब ऐसे ये DCRIO फेस्ट जो हम लोग कॉलेज का तरफ से कराते हैं, तो जो मतलब ऐसे जो ग्रोन अप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग को बहुत हेल्प करते हैं कि मतलब प्रोग्रेस करने में या कुछ अपना शोकेस दिखाने में, ज़्यादातर पेंटिंग लोग कल्चर बेस्ड होते हैं, तो ये जो मतलब हर हम लोग का जो तानी क्लैन में सबका तो आना दोनी तो होता ही है, तो इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं किए क्योंकि आना दोनी तो सब कल्चर में होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर गॉडेस लोग को लेके बनाए, तो ये है पदोंग नाने जो मतलब आदि क्लैन में इसको मानते हैं कि ये जो गॉडेस ऑफ रेन है बोल के, और ये है सी आने जो तागिन का जो सी दोनी मानते हैं ना जो गॉडेस अर्थ, ये वो है, और ये है गालो ट्राइब का आने मोपिन, और ये है आने न्योकुम, और इसमें हम ज़्यादा पर्टिकुलरली ध्यान दिए कि निशी में दो तरह का कपड़ा होता है ना, एक जो पोमा होते हैं और एक जो ये क्या था सफ़ेद वाला, तो पोमा वाला को भी हम नहीं छोड़ सकते, तो उसको हम पीछे बैकग्राउंड में ऐसे दे दें। तो आपको पर्टिकुलरली क्या चीज़ इंस्पायर किया कि ऐसा जो टॉपिक कोई पर्टिकुलरली लेने की? एक्चुअली हम जो लिटरेचर स्टूडेंट है तो मतलब हम लोग का भी बहुत फोकसिंग होते हैं कि अपना कल्चर को लेके आगे चलेगा बोल के, तो हमको पहले से ही मतलब इंटरेस्ट है अपना कल्चर को ऐसे शोकेस करना सबका सामने, जो नहीं जानते हैं वो लोग का सामने शोकेस करना, तो हमको अच्छा लगता है। और लिखा हुआ है तो थैंक यू आप सबको पहले आने के लिए। तो हम लोग जो यहाँ में स्टॉल लगाए हैं, हम लोग बेसिकली जो पेंटिंग का है और फिर से पोन चार्म्स है जैसे यहाँ पे है, और फिर से हम लोग जो हैंडमेड कुछ क्राफ्ट है और ब्रेसलेट ये सब भी है और बुक मार्क है, तो यही बेच रहे हैं हम लोग जो हम लोग स्टॉल पे। आप लोग जो ये बेच रहे हैं वो कुछ डोनेशन के लिए है ना, जस्ट वो पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेस? ये जो हम लोग को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग हर टाइम पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते, तो हम लोग खुद से थोड़ा अर्निंग करेगा सोच के कर रहे हैं, जो भले ही हालांकि खर्च तो हमारे कॉलेज का होता है, एक्सपेंडिचर दूसरी जगह से हम लोग कुछ भी फंड नहीं लेते, कहीं से भी नहीं, ना कोई अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन से भी हम एक पैसा नहीं लेते। इस बार हमने APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के साथ कोलाबोरेट किया है, और मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम आज इवनिंग को साइन करेंगे, उसमें प्रेसिडेंट पद्मश्री श्री YD थोंगची साहब आएंगे, उनके साथ हमारा मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा बाजाफ्ते। तो ये इस बार कोलाबोरेशन में कर रहे हैं देहरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एंड APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी।
तो पहले होता था ये हमारा एक था पोएट्री क्लब और आर्ट्स क्लब, ये दोनों ज्वाइंटली करते थे हमेशा, थर्ड एडिशन तक ऐसा चला। इस बार ये फोर्थ एडिशन में पोएट्री क्लब का नाम बदल कर हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म करके ब्रॉड हराइजन में ले गए और लिटरेरी क्लब का नाम दिया। तो लिटरेरी क्लब एंड आर्ट्स क्लब कॉलेज की है, तीनों तीन तीन फैकल्टी हैं दोनों में, वो लोग मिलकर आपस में द कन्वेनर्स द मेंबर्स ऑफ बोथ आर्ट्स क्लब लिटरेरी क्लब आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं इन कोलाबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। और आप जैसा देख सकते हैं दिनों दिन पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, अरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है और हम एक बिग ब्रदर के रोल को निभा रहे हैं। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, 45 ईयर्स होने वाला है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं ईटानगर कैपिटल रीजन में, सबों को हम इन्वाइट करते हैं टू पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच इवेंट। तो फिर ये आर्ट्स क्लब वर्कशॉप भी करा रही है, वर्कशॉप ऑन पेंटिंग, कॉम्पिटिशन ऑन पेंटिंग ड्राइंग, देन अगेन लिटरेरी क्लब जो है वो उसका इवेंट्स पोएट्री सेल्फ कंपोज्ड पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, शॉर्ट स्टोरी राइट रीडिंग कंपटीशन, ये सारा कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है बच्चों में, बहुत इंथ्यूजियाज्म है, उत्साह है। और मेनी इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ईटानगर कैपिटल रीजन आर पार्टिसिपेटिंग, ये इसका सक्सेस स्टोरी जो है वो दूर दूर तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, चलेगा बढ़ेगा, ताकि एक जो क्रिएटिव टैलेंट है हमारे बच्चों में, तो चाहे वो देरा नातुंग कॉलेज के हों या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हों ईटानगर कैपिटल रीजन के, उनको हम इन्वाइट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, फॉर्म देते हैं, नर्चर करते हैं। हमारे जो फैकल्टी इन्वॉल्व्ड हैं आर्ट्स क्लब और लिटरेरी क्लब, वो उनको गाइड करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट और लंच, सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा यही पर्पस है कि जो बच्चे कल को अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे पोएट बन सकते हैं, अच्छे स्टोरी राइटर बन सकते हैं, तो उनको कॉलेज डेज में, यूनिवर्सिटी डेज में उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फॉर्म चाहिए, जो नहीं है वो मिस करते हैं। तो हम उनको ऑफर करते हैं, वो अपने टैलेंट को डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है विनर्स को और सर्टिफिकेट्स भी मिलती है। तो ये है हमारे जैसे आपने बोला दिन बा दिन ये जितना प्रोग्राम्स जो एक्सपांड होते जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या पता कमिंग डेज में आप लोगों जो फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़रूरत हो सकता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे कि अभी तो हम इंटरनल रिसोर्स से, जो कॉलेज का अपना रिसोर्स है इंटरनल रिसोर्स, उसी से हम कराते आ रहे हैं। आज ये फोर्थ एडिशन चल रहा है, अब तक कहीं से कोई लिया नहीं हमने, लेकिन आने वाले टाइम में, आपका प्रश्न सही है, क्वेश्चन सही है, तो फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्यूचर में, अगर मान लो हम इसको स्टेट लेवल करते हैं, रीजनल लेवल पे ले जाते हैं या नेशनल लेवल पे कल को करते हैं, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमको फंड की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा है अपने आर्ट्स क्लब के कन्वीनर को और लिटरेरी क्लब के कन्वीनर को कि वो दोनों जॉइंट एक प्रपोज़ल बनाएंगे, हम गवर्नमेंट को प्रपोज़ल सबमिट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमको इसके लिए एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक फ़ंड एलोकेट करेगी, तो हम और अच्छे से कराएंगे। जी सर, आपने बताया आज शाम को भी तुमची सर भी आएंगे जिसके सामने कुछ आप लोग सबमिट करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा आप लोग ने कोई स्पेसिफिक मेंशन किया है ताकि आने वाले समय में इस इवेंट को लेकर उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट दिया जाए या कोई भी ऐसा आप लोग ने दिया? एक्चुअली APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, इनके पास भी फंड की कमी रहती है, फिर भी उसके बावजूद मुझे पता चला है कि थोड़ा उनसे सहायता मिल रही है आज के इसमें। और जो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा आज शाम में APLS प्रेसिडेंट और कॉलेज अथॉरिटी के बीच, तो उसका कंटेंट यही रहेगा कि आने वाले दिनों में हम दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके वी विल बी पार्टनर्स टू ऑर्गेनाइज मोर सच इवेंट्स। तो लिटरेरी इवेंट्स भी करेंगे और आर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स भी करेंगे, नॉट ओनली फॉर डिक्रियो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अदर इवेंट्स ऑल्सो शैल बी ऑर्गेनाइज मोर फ्रिक्वेंटली, मे बी पोएट्री रिसाइटेशन सीटिंग, मे बी स्टोरी राइटिंग पेंटिंग कम्पिटिशन। तो ये मंथली फीचर हो जाएगा आते आते, ये एनुअल से इस तरह से करेंगे।